एक्टिंग बहुत इजी है अगर सही तरीके से की जाए, और ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो। एक बोतल है पानी की, उसमें पानी अगर भरा है तो है ना भरा हुआ, उसको दिखाने की ज़रूरत है कि देखो मैं बोतल, मेरे अंदर पानी भरा हुआ है। हम जो एक्टर्स को देखते हैं ना एकदम रियल, एक्टिंग करते वक्त एक्टर ऐसा लगता ही नहीं है कि एक्टिंग कर रहा है, एकदम नेचुरल ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है सच में हो रहा है। उसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ अगर किसी चीज़ का होगा तो वो है बैक स्टोरी को समझना, क्योंकि तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, समझ लो, बाद में लिख लो। तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तुम लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, दोनों फेस टू फेस खड़े हैं, ओके? अभी लड़का लड़की खड़े हैं, और इन दोनों में तुम लोगों ने अगर स्क्रिप्ट याद कर ली सिर्फ, और याद करके तुम बोल रहे हो, और उसमें इमोशन है ही नहीं, सिर्फ लाइन पे लाइन आ रही, तो क्या वो जो सीन है वो अच्छा लगेगा क्या? बेजान लगेगा, ऐसे लगेगा कोई बच्चा स्कूल का भाषण याद करके बोल रहा है। तो भाषण देने वाला और एक्टर, इन दोनों में फर्क है क्या? नहीं। क्या फर्क है पता है? भाषण देने वाला न्यूट्रल बात करते रहता है, बट एक्टर वो मेरे ही साथ हुआ है, जो भी सीन हुआ है मेरे साथ हुआ है, और वो पूरा फील करता है। तो यहाँ पे तुम मैजिक इफ नाम की टेक्निक यूज कर सकते हो। मैजिक इफ टेक्निक कहती है कि ये जो भी सीन है सच में अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कैसे बर्ताव करता। हम अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं? ये जो लिखा हुआ सीन है ये सच में अगर मेरे साथ होता तो मैं कैसे बर्ताव करता, मैं क्या फील करता, मेरे साथ अंदर इमोशनली फिजिकली मेंटली क्या होता। तो हम अपने ब्रेन को, अपने थॉट को वहां लेके जाते हैं। और हम बिलीव करते हैं कि ये सच में मेरे साथ हुआ है। और वो बिलीव करने की वजह से क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में तुम्हारे बीच में कुछ हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, तो रियल लाइफ में जब तुम उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देखते हो, अचानक तुम्हें जलन महसूस होती है, लड़की हो लड़का हो, तो वो तुमको जगाना नहीं पड़ता ना, वो ऑटोमेटिक अंदर से निकल के आती है। क्यों? क्योंकि तुम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो उस बात से। कहां से? तुम्हारे माइंड से। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है तुम्हें? ठीक है, मैं बार फिर समझाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि ये समझना आपको बहुत जरूरी है। एक्टिंग सिर्फ स्क्रिप्ट याद करके बोलना एक्टिंग नहीं है, या चीखना चिल्लाना जोर जोर से रोना ये एक्टिंग नहीं है। बहुत सच्चाई के साथ ट्रूथफुल रह के उस सिचुएशन में एक्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ में हमें कोई कैमरा शूट नहीं कर रहा है, इसीलिए देखो हम कितने नेचुरल होते हैं। हमारे साथ जो जैसे बर्ताव करता है हमारा चेहरा तुरंत बोलता है, हमारे अंदर से वाइब्रेशन, हमारे अंदर से सब चीज़ें एक्टिवेट होती है। तो तुम सब पैदाइशी अच्छे एक्टर हो। जो नए लोग आए हैं, नए स्टूडेंट, उनको भी मैं बता दूं, तो पहले ये बिलीव बनाओ दिमाग में कि मैं भले ही एक्टिंग सीखने आया हूँ, मुझे टेक्निक सिखाई जाएगी, बट मैं पैदाइशी एक्टर हूँ। क्योंकि इंसान बदलता है, मेरा बर्ताव बदलता है, तो किसी ने मुझे सिखाया तो है नहीं ना। लेकिन गड़बड़ कहाँ है पता है? यही सब चीज़ें तुम्हें कैमरे के सामने और थिएटर में करनी आनी चाहिए, लाइव ऑडियंस के सामने और इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं एक्टर हूँ लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं कर पाता, मैं रो लेता हूँ अकेले में, पब्लिक के सामने नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ लेकिन पब्लिक के सामने नहीं, रूम में अकेले, चलेगा क्या?
तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में ये डालना ही पड़ेगा कि मैं जिस आर्ट में आया हूँ वो आर्ट ऐसा है जिसको पब्लिक के ही सामने करना पड़ेगा। शूटिंग में पब्लिक होगी 5, 10, 50, 100। नाटक रहेगा तो नाटक में तुम परफॉर्म कर रहे हो, लाइव आंखें तुम्हें देख रही है, तो डरता क्यों है इंसान? पब्लिक की वजह से, क्योंकि रोज डे टू डे लाइफ में अपने को कोई शूटिंग नहीं कर रहा है ना, वो जो डर होता है उसकी वजह से हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैं अगर वो होता तो मैं कैसे बर्ताव करता इस सीन में, ये तुम्हारे दिमाग में तुमको बनाना पड़ेगा।